एक बार पुनः मैं अमित कुमार श्रीवास्तव अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है दया मैथ्स एनालिसिस इस चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का अभ्यास करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको हर एक डाउट्स क्लियर हो जाए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पे जो इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया था कि स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसका मतलब ये दिया गया है कि जो स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो स्टेटमेंट ट्रू हैं कि फॉल्स हैं, ये आपको जज करना है। साथ में आपको जो है आंसर को जस्टिफाई भी करना होगा, यानी एक तरीके से उसके पीछे का रीजन भी आपको मेंशन करना होगा। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन देख रहे हो कि यहाँ दिया गया कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यानी पूछा जा रहा है कि हर एक इरेशनल नंबर जो है एक रियल नंबर होता है। तो मैंने इस पे वीडियोस बना के रखी हुई है, तो ऊपर आई बटन के माध्यम से आपको उसकी प्लेलिस्ट मिलेगी, तो उसे देख लीजिएगा। अब यहाँ पे चूंकि बात पूछा रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो पहले यहाँ पे आप रियल नंबर का मतलब समझ लें। देखो रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। और इस रियल नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है रेशनल और दूसरा पार्ट होता है इरेशनल। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, यानी रियल नंबर में आप इन दोनों के पार्ट्स को स्टडी करते हैं, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये रियल नंबर के पार्ट होते हैं। तो चूंकि यहाँ पे जब आपको जज करना है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो आप इसका आंसर लिखेंगे ट्रू। अब रीजन अगर आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि इरेशनल नंबर इज ए पार्ट ऑफ रियल नंबर, ये आप आंसर आप कर सकते हैं। उसके बाद से अब हम लोग चेक करते हैं दूसरे स्टेटमेंट के बारे में। यहाँ पे देखो दिया गया क्या कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो पूछा ये जा रहा है कि नंबर लाइन पे जो भी पॉइंट होगा, ठीक है, वो अंडर रूट एम के फॉर्म में होगा, और यहाँ पे एम जो होगा एक नेचुरल नंबर होगा। अब इसको मैं आपको डायग्राम के माध्यम से भी बताने का कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करें कि एक नंबर लाइन आप एक ड्रॉ कर लें, और यहां पे आप जीरो मेंशन कर लीजिए, और आपको पता है कि जीरो के इधर आप जाएंगे तो आपको पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, क्लियर। और इधर जब जीरो के इधर आएंगे तो यानी लेफ्ट साइड में, तो इधर मिलेगा आपको निगेटिव नंबर्स, ये आपको पिछले क्लासेस में बताया गया है। अब मान लो कि हमने यहाँ पे 1, 2, 3, 4 लिखा, क्लियर। अब इसके बीच में आपने देखा होगा, अगर आप स्केल यूज करते हो तो आपने देखा होगा कि स्केल में 0 से 1 या 1 से 2 के बीच में 10 सब पार्ट्स होते हैं। अब मान लो कि अगर इसको हम लोग स्टडी करेंगे तो क्या कहेंगे, 0.1। अब मान लो इसी के बारे में अगर हम कंसीडर करें तो क्या इस फॉर्मेट में है, इस अंडर रूट एम के फॉर्मेट में नहीं है। लेकिन इसको मैं दूसरे तरीके से भी कह देता हूं मैं कि अगर मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि इस नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट जो है वह इस फॉर्मेट में हम लोग मान लेते हैं, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि इस नंबर लाइन पे जितना भी नंबर होगा वो इस फॉर्मेट में होगा, और यहाँ यम जो होगा वो नेचुरल नंबर को इंडिकेट करेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर दैट बिगिंस फ्रॉम 1, क्लियर। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर ये कोई नेचुरल नंबर है और ये सिंबल है किसका, स्क्वायर रूट का, तो जो भी इसका आंसर जो होगा वो पॉजिटिव ही निकल के आएगा, निगेटिव तो मिलेगा नहीं। लेकिन इसी नंबर लाइन पे आपको निगेटिव नंबर भी मिलेंगे, तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्यों, ये बात तो क्लियर हो गई होगी। अब मान लीजिए कि अगर आप इसका रीजन मेंशन करना चाहते हैं कि क्या लिखेंगे, तो इसका लिखेंगे फॉल्स। और रीजन अगर तुमको इसका मेंशन करना होगा तो आप लिख सकते हैं कि
स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी अगर किसी भी अगर नंबर लाइन पे अगर हम मान लेते हैं कि हर एक नंबर इस फॉर्मेट में है और यह नेचुरल नंबर है तो इसकी वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव देगी, कभी नेगेटिव नहीं देगी। बट इसी नंबर लाइन पे आपको नेगेटिव नंबर भी मिलता है, तो ऐसा पॉसिबल होगा नहीं, इसीलिए जो इसका जो आंसर होगा वो फॉल्स हो जाएगा। फिर तीसरा स्टेटमेंट आपसे पूछा रहा है क्या कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, यानी आपसे पूछा यह जा रहा है कि जो भी रियल नंबर होगा वो सब का सब इरेशनल नंबर होगा। और जैसा कि मैंने पहले वाले स्टेटमेंट में मैंने आपको समझाया था कि रियल नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक तो रेशनल होता है और दूसरा इरेशनल होता है। तो अब आप खुद ही जज करिए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका ऑलरेडी इसका आंसर जो होगा वो फॉल्स होगा। और रीजन में आप क्या लिख सकते हैं, रीजन में आप ये लिख सकते हैं कि रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। सो यानी ये जरूरी नहीं है कि रियल नंबर में जो भी नंबर आएंगे वो सब के सब इरेशनल हो, वो रेशनल नंबर के फॉर्मेट में भी हो सकते हैं। तो आई होप ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपको मैं बताने वाला हूँ, उसे भी आप देख लें। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 भी पूछा गया है जिसमें मैं बोल के बता रहा हूँ, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, यानी पूछा जा रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उनके स्क्वायर रूट जो होंगे वो इरेशनल होंगे। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स लीजिए, अब आप देखोगे मान लो 2 आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है, क्लियर, लेकिन जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.414 समथिंग। यह ना तो टर्मिनेटिंग होगा, यानी इसका इस डेसिमल नंबर का ये एंड नहीं होगा, ये कॉन्टिन्यू चलता रहेगा और इसमें रिपीटिंग पार्ट भी नहीं आएगा। तो अब यह नंबर तो इरेशनल हो गया, लेकिन अगर मान लो कि मैं एक नंबर 4 ले रहा हूं मैं और इस 4 का स्क्वायर रूट निकालूं तो इसका आंसर जो होगा वो 2 आएगा। तो जैसा कि इसमें पूछा गया है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उनका स्क्वायर रूट जो होगा वो इरेशनल होगा, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट जो होगा वो इरेशनल भी होगा, वो रेशनल में भी जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपने अंडर रूट 2 लिया, मतलब 2 इंटीजर लिया पॉजिटिव इंटीजर, इसका स्क्वायर निकाला तो यह 1.414 समथिंग देगा जो कि इरेशनल नंबर में जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप एक कोई दूसरा पॉजिटिव इंटीजर 4 ले रहे हैं तो इस 4 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे जो 2 आ रहा है तो ये 2 क्या दे रहा है, रेशनल में जाएगा। मान लो ये 2 इंटीजर है तो इस 2 को तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो 2/1 जो कि रेशनल नंबर के फॉर्मेट में चला जाएगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल हो, वो रेशनल में भी जा सकता है। अब इसी में एक आखिरी क्वेश्चन को भी मैं बता दे रहा हूं मैं, जो कि पूछा जा रहा है क्या, शो हाउ अंडर 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, यानी अगर आप नंबर लाइन पे अगर अंडर 5 को दिखाना होगा तो कैसे दिखा सकते हैं, इसके बारे में यह है क्वेश्चन जो कि फाइनल क्वेश्चन है। तो देखिए अगर मान लो आपको अंडर 5 नंबर लाइन पे दिखाना है तो पहले क्या करिए, एक नंबर लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से। मान लो हमने 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हमने ले लिया, क्लियर। इसको मैंने इंडिकेट किया, 0 को ए मान लिया और इस 2 को हमने बी मान लिया। मैंने क्या किया कि ए भी मैं 2 यूनिट इस नंबर लाइन से मैं ले रहा हूं मैं, और इस बी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर मैं ड्रा कर रहा हूं बी सी, क्लियर। लेकिन ये ध्यान रखना कि बी सी जो होगा ये 1 यूनिट होना चाहिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ए और सी को हम लोग मिला लेंगे। तो चूंकि सी भी जो है परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, ए सी स्क्वायर, यानी ए सी क्या है, हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वह इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस के स्क्वायर, ये देखो ये बेस है बेटा,
और ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर जो होगा वह बेस, अब बेस क्या है ए बी, तो ए बी के स्क्वायर प्लस सी बी के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब यहाँ पे ए बी चूंकि दो यूनिट लिया था लेकिन यहाँ पे स्क्वायर करना होगा, उसी तरीके सी बी कितना है वन, तो वन का स्क्वायर कर दीजिए तो आपको मिला टू का स्क्वायर फोर, वन का स्क्वायर वन, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव। अगर आप इस ए सी पे से पावर टू हटाओगे तो ए सी जो होगा वो अनरूट फाइव हो जाएगा, तो ए सी इज इक्वल टू अनरूट फाइव मिल गया। अब आप क्या करिए कि ये तो पता चल गया कि इस राइट ट्रायंगल में ए सी की वैल्यू फाइव है, लेकिन चूंकि आपको नंबर लाइन पे दिखाना है तो नंबर लाइन पे दिखाने के लिए क्या करना होगा, आपको लेना होगा कैंपास, क्लियर, पेंसिल का यूज कर लीजिए, उसमें कंपास का जो शार्प पॉइंट है वो ए पर रखिएगा, तो यहाँ पे ए को सेंटर ले लीजिएगा और ए सी को क्या ले लीजिएगा एज ए रेडियस। आई थिंक आपने प्रीवियस क्लासेस में डिफरेंट रेडियाई लेकर के सर्कल को ड्रा करना आपने सीखा होगा, तो आपको करना सिर्फ इतना है कि ए को सेंटर लेना है और इस पे कंपास रख करके ए सी लेंथ के बराबर आप रेडियस ले लीजिएगा और जब सर्कल ड्रा करोगे तो सर्कल कहीं ना कहीं इस लाइन को पास करेगा। मान लो यह जो पोजीशन हो गई है जेड हम मान लेते हैं, तो याद रखना कि एसी क्या है, एसी आपका रेडियस है, ए सेंटर एसी रेडियस, तो इस एसी की वैल्यू जो होगी वो ए जेड के बराबर होगी और ये क्या है ये रेडियस है, ये क्लियर। तो अगर एसी अंडर रूट फाइव है तो ए जेड का जो लेंथ होगा ये क्या होगा, ये भी क्या होगा अंडर रूट फाइव होगा। अब एक चीज मैं बता दे रहा हूं मैं कि यहां पे क्या था कि क्वेश्चन था कि अंडर फाइव को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये याद रखिएगा कि अंडर फाइव जो आप नंबर लाइन पे आप जो दिखाए हो, क्लियर, ये उसकी वास्तविक लोकेशन नहीं है, क्लियर, बस ये जानते हो, ये आपको ये बताएगा कि अंडर फाइव की पाई यानी कि पॉसिबिलिटीज कहाँ है। अब आप पूछोगे कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो पहली चीज जान लीजिए कि अंडर फाइव एक इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर की वैल्यू को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी ऐसे भी कह सकते हो कि इरेशनल नंबर की वैल्यू को ना तो तुम टर्मिनेटिंग डेसिमल में नहीं लिख सकते हो और ना ही रिपीटिंग डेसिमल में लिख सकते हो, यानी उसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो जब वैल्यू डिफाइंड नहीं है तो इस नंबर लाइन पर अंडर फाइव की जो लोकेशन जो होगी वो भी क्लियर नहीं है, वो उसके पाए जाने की पॉसिबिलिटी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर बताइएगा और इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए ऊपर आई बटन, वीडियो के एंड स्क्रीन में भी वीडियोस लगी है, यहाँ तक कि मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक दे रखे हैं, आप उसे जाके जरूर देखिए, उसका फायदा उठाइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, जय हिंद जय भारत।